क्यों कहा जाता है शिम्बुलक को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कजाकिस्तान। इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा कैसे मेडियू पहुंच सकते हैं, क्या प्राइसेस रहेंगे गोंडोला राइड्स की, क्या चेयर का लिफ्ट बहुत स्केरी है, स्की एक्टिविटीज के लिए रेंटल्स की डिटेल्स और बर्फ में खेलने का बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस। तो आइए शुरू करते हैं। शिम्बुलक जाने के लिए हमने अपार्टमेंट से हम वॉक करके जा रहे हैं बस स्टॉप तक। बस स्टॉप से हम बस लेंगे डायरेक्टली शिम्बुलक, हमें वो पहुंचाएगी। अलमती सिटी के काफी बस स्टॉप से बस नंबर 12 चलती है जो मीडियो पहुंचाएगी, जो कि शिम्बुलक का बेस कैंप है। बस स्टॉप नेविगेट करने के लिए हमने टूचेस ऐप यूज की और हमारा बस स्टॉप सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ अलमती के जस्ट सामने था। यह है होटल कजाकिस्तान। मैंने तो फुर्ती से बस पकड़ी और सीट पे बैठ गई क्योंकि यहां से रास्ता आधे घंटे का है। हम पहुंच गए मीडियो पे, बस से उतर गए हैं बस स्टॉप पे और ये है वो स्टेशन जहाँ से हम केबल कार लेने वाले हैं शिम्बुलक माउंटेन्स पे ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे क्या मैजिकल व्यू है यहाँ पे। ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, आपको कुछ भी पूछना हो यहाँ से पूछ लेना। और उधर कासा है जहाँ से टिकट्स ले सकते हैं ऊपर जाने के लिए। कासा पे आपको बहुत सारे प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैंने कौन सी टिकट लेनी है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सो इज इट पॉसिबल वी गो बाय दिस, come down then go by this? No problem, we can do it on the same ticket. It's four tickets, one ticket 5000 tenge. Maine tickets khareed liye hain 5000 tenge ki ek bande ki ticket hai, matlab almost 1000 rupees ki. Aur isme bahut hi adventurous ride hone wali hai. Hum chair car pe jayenge jisme koi covering nahi hoti side mein, hum sirf ek patle se platform mein baithe honge, pehle us pe jayenge fir wapas aayenge fir hum gondola ride se bilkul peak pe jayenge. टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और सारे प्राइसेस चेक कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की, टिकट को हमने स्कैन किया और अब हम वेट कर रहे हैं हमारी बारी आने की। गोंडोला पकड़ के अब हम चलते हैं ऊपर। इस चेयर कार के तीन लेवल्स हैं, पहले जाते हैं कॉम्बी वन में, फिर कॉम्बी टू पे, वो लास्ट है। उसके लिए तीन बार चेयर कार हमें चेंज करनी पड़ती है। इसका जो पहले वाला लेवल हम आ रहे हैं इसमें हमें अराउंड 25 मिनट हो चुके हैं और ये अभी तक चली रही है, बहुत लंबा जाता है ये। शिम्बुलक की वेबसाइट shimbulak.com पर आप लाइव देख सकते हैं कि शिम्बुलक में क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, दैट टू लेवल वाइज कितनी स्नोफॉल हो रही है या वेदर कैसा है। आपको रेफरेंस लेने में काफी आसानी होगी कि किस दिन जाना ठीक रहेगा। जिस भी दिन सनी वेदर ब्रॉडकास्ट हो उसी दिन भाग जाना। शिम्बुलक इतनी सीनिक ब्यूटी वाली जगह है कि बादलों में उसको देखने का कोई भी मजा नहीं है। शिम्बुलक में मीडियो का टेम्परेचर और कॉम्बी टू लेवल का टेम्परेचर में कभी कभी 10 डिग्रीज का भी फर्क आ सकता है, तो आप अपने साथ जैकेट जरूर कैरी करें। आप गोंडोला और चेयर लिफ्ट दोनों का लुफ्त उठा सकते हैं, पर चेयर कार थोड़ी ज्यादा एडवेंचरस होती है तो छोटे बच्चों के साथ चेयर लिफ्ट में बैठने नहीं दिया जाता। द्रस्तुते। काक दिला। शिम्बुलक ता ओचिन करोशो। ओचिन कसीवा। नमस्ते। नमस्ते। और दिल में डर थामे और घड़ी की टिक टिक देख हम आखिर पहुंच ही गए। यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं मानो जन्नत ही हो। अभी अभी 20 मिनट लंबी गोंडोला राइड लेके सिर्फ यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे इधर। ये चेयर कार राइड है, इसमें सिर्फ चेयर कार होगी, कोई कवरिंग नहीं होगी साइड में। फिर कॉम्प्यूटर पे बिल्कुल हाईएस्ट पीक पर जाएंगे जो ऑब्जर्वेशन टैंक है। अगर आप शिम्बुलक में स्की करना चाहते हैं तो जब आप फर्स्ट गोंडोला के बाद उतरेंगे वहीं पर आपके लेफ्ट साइड में बेसमेंट का रास्ता होगा। किसी से भी पूछ लेना बेसमेंट कहाँ है, वहाँ आप स्की इक्विपमेंट्स रेंट कर सकते हैं। स्की का रेंटल एक दिन के लिए 10,000 टेंगे का मिलेगा जो कि अप्रोक्स 2,000 रुपए हुआ। उसके अलावा आपको 50,000 टेंगे का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल होगा। और आपको स्की करने के लिए एक फुल डे स्की पास भी लेना होगा। उसके प्राइस की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में है। शिम्बुलक में बहुत सारी स्की ट्रेल्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम इजी टू वेरी डिफिकल्ट, तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और गाइड के गाइडेंस में अपनी स्की ट्रेल चूज कर सकते हो। अगर आपको स्की करना नहीं आता तो वो आपको वहाँ सिखाते भी हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर। यार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है चेयर कार पे जाने पे। डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। अब हम जा रहे हैं सबसे डरावनी चेयर कार लिफ्ट के अंदर। हमने उज़्बेकिस्तान में की थी, ये उसकी बाप है। हमारी टिकट के अंदर क्वाड चेयर कार लिफ्ट इंक्लूडेड थी, तो आप भी ध्यान रखें कि आप भी ऐसी ही टिकट खरीदें 5000 टेंगे वाली। डर में सहमे हमने लिया भगवान का नाम, हम बैठ गए चेयर कार पे और जा रहे हैं ऊपर। बहुत डरावना देखने में लगता है, हमें डर तो नहीं लग रहा है इसमें, मैं डरता नहीं हूँ इन चीजों से, कनिका डरती है थोड़ी सी। कितनी खूबसूरती से सफेद चादर ने इन खूबसूरत माउंटेन्स को ढक दिया है। मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है इतने खूबसूरत नज़ारा को देखकर। मेरा मन इतना शांत हो गया है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो आप सबको जरूर करना चाहिए। जरा इमेजिन करिए इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच
आप अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। यहाँ पे आके इतनी शांति मिल रही है, कोई शोर नहीं है और इतना सुंदर नजारा है। ये नेचर में आने का अलग ही मजा है। जो ये 1000 रुपए की टिकट है ना, इट इज टोटली वर्थ इट। एक बार कजाकिस्तान आओ, अलमती आओ, आपका यहाँ मन लग जाएगा। यहाँ पे आके इतनी सुंदर जगह है ये। यहाँ पे ना विंटर्स में इतनी स्नोफॉल होती है, सब कुछ स्नो में कवर्ड होता है। और अभी हम जा रहे हैं शिमुलक माउंटेन के ऊपर, जो कि सेंट्रल एशिया के सबसे हाईएस्ट पीक्स में से एक है। और फिर हम पहुंच गए और भाग भाग के उतरना पड़ता है चेयर कार लिफ्ट से। ये है कॉम्बी वन लेवल। या तो आप क्वाड रूट से चेयर कार लिफ्ट में आएंगे और यहाँ पहुंचेंगे, या फिर आप गोंडोला राइड पकड़ के आएंगे। और बच्चे वाली पार्टी तो गोंडोला राइड से ही आ सकती है। फिर हमें इस पॉइंट से वॉक करके जाना पड़ेगा कॉम्बी वन के उस पॉइंट तक, जहाँ पर गोंडोला मिलती है कॉम्बी टू तक पहुँचने के लिए। मैंने यहाँ पर जो बूट्स पहने थे वो स्नो वाले नहीं थे और मुझे यहाँ पर काफी दिक्कत परेशानी हुई। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आराम से चल भी नहीं पा रही हूँ। तो आप डीकैथलॉन के स्नो शूज जरूर पहनिएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम अपनी गोंडोला राइड के लास्ट पे, जो कि कॉम्बी वन से कॉम्ब्यूटर जाता है, उस पे चढ़ चुके हैं और हम बिल्कुल पीक पे जा रहे हैं। अब वी आर एट द टॉप, चलते हैं बाहर। अब दिस इज शिमुलक, और शिमुलक में पहुंचते ही मुझे कुछ ऐसा फील हुआ, इन पहाड़ों में कुछ एहसास है, कुछ अपनापन सा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ बातें जो मैं यारों दोस्तों या परिवार से ना कर पाऊं, वो मैं इनसे कर लूंगी। कुछ जुड़ाव सा भी महसूस होता है। जब भी ये मुझे बुलाते हैं, मैं इनके पीछे पीछे भागे चली आती हूँ। शिमुलक को विंटर ओलंपिक्स के लिए यूज करते हैं फॉर स्कीइंग। और यहाँ पे जो पीछे मशीन देख रहे हो, ये आर्टिफिशियल स्नो बना रही है तो आर्टिफिशियल, पर ये बिल्कुल रियल स्नो जैसी है। शिमुलक एक विंटर वंडरलैंड है, और अगर आपको रात को इतने सुंदर माउंटेन्स के बीच में रहने का मन करे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बुक कर सकते हैं होटल्स या रिसॉर्ट्स को। How do you find the people over here? Very nice people. Warm-hearted, है ना? Warm-hearted. उनका एक हिंदुस्तान यूज करते हैं वो वर्ड, तो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। दुनिया भर में हम कहीं भी पहुंच जाएं, हिंदुस्तानी तो हर जगह अपना झंडा गाड़ ही देते हैं। आई होप आपको हमारा शिमुलक का ये एक्सपीरियंस पसंद आया और शायद आपको सारे डाउट्स क्लियर भी हो गए हों। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। शिमुलक पूरा दिन ले सकता है, आप सुबह से शाम बिता सकते हैं और फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए शिमुलक से, क्योंकि अगले दिन हमें डे टूर पे जाना था अलमती सिटी से 300 किलोमीटर दूर, और उसकी डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पर है। टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हैं, एक पॉपअप आया होगा, इसको क्लिक करके आप देख पाएंगे पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हमारा डे टूर का और सारे के सारे एक्सपेंसेस जो उसके अंदर हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू ऐड अलमती in your bucket list.